बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार संजय दत्त लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। संजय दत्त का लंग कैंसर स्टेज 4 पर पहुंच चुका है। वहीं इस बीच लगातार फैंस सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। जहां एक ओर संजय दत्त का कैंसर का इलाज चल रहा है, तो वहीं इसी बीच अब खबरें सामने आई हैं टीवी के पॉपुलर एक्टर करण टेकर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि करण टेकर मुश्किलों के घेरे में घिरे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही करण टेकर को लेकर ये खबर आई थी कि करण टेकर की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिसके चलते करण टेकर के साथ बेहद अलग बर्ताव किया जा रहा है। हाल ही में करण ने अपने इंटरव्यू में अपने दर्द को बयां किया है और बताया है कि आखिरकार क्या हुआ था। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही करण टेकर दिल्ली पहुंचे हुए थे, तब उस दिन देर शाम उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई थी। दिल्ली जाने से पहले मुंबई में करण जौहर ने अपना कोविड-19 टेस्ट कराया था, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव सामने आई और हर तरफ ये खबर फैल गई कि करण टेकर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं जिस होटल में करण टेकर ठहरे हुए थे, उस होटल ने भी आधी रात में उन्हें निकाल दिया। करण ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जिस दिन दिल्ली पहुंचा, उसी दिन देर शाम को रिपोर्ट में मेरे पॉजिटिव होने की बात कही गई थी और इसके बाद होटल के कर्मचारी जहां मैं ठहरा हुआ था तुरंत घबरा गए। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और मुझे आधी रात आइसोलेशन सेंटर ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं करण के मुताबिक ये भी सामने आया है कि लगभग 6 घंटे का उन्हें समय लगा था और वे सुबह 3 बजे ही आइसोलेशन सेंटर पहुंच पाए थे। करण ने इसके साथ साथ प्रोडक्शन कंपनी के रवैये के बारे में भी बताया है। प्रोडक्शन कंपनी ने भी करण की कोई मदद नहीं की और इस वजह से करण काफी परेशान भी नजर आए। वेल दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि करण के मुताबिक ये भी सामने आया है कि उनको मुंबई रिपोर्ट पर यकीन नहीं था। दरअसल आपको बता दें, क्योंकि उनकी जांच ठीक से नहीं की गई थी। करण ने बताया कि जांच के लिए नाक और गले दोनों से स्वैब्स ली जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुंबई में सैंपल इकट्ठा करने के लिए आया था, उसने केवल नाक का ही स्वैब लिया, उसने गले से स्वैब नहीं लिया। वहीं करण ने बताया कि मेरा कोरोना संक्रमित होने के बाद मेरी पूरी फैमिली ने दोबारा टेस्ट करवाया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि करण टेकर की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट की अफवाह फैलने के चलते करण टेकर काफ़ी परेशान है और इस वक्त मुश्किल घड़ी से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।